राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी भाग 7। आलेख शेर जंगर का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। तो दोस्तों इससे पहले कि दादाजी आएं, तुम लोग जरा जोर से पोपटलाल तो बोलो। अरे भाई बहुत दिनों से तुमने पोपटलाल नहीं कहा, तो जरा जोर से कहो पोपटलाल। अभी भी नहीं मजा आया, जरा एक बार और पोपटलाल। अब पोपटलाल पोपटलाल बंद करो, नहीं तो दादाजी भाग जाएंगे। आइए दादाजी और बताइए कुछ नई बात। नन्हे मुन्ने बच्चों राम राम। राम राम दादाजी। राम 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 राम। दादाजी कल आपके घर में बड़ी बढ़िया बढ़िया आवाजें आ रही थी। मैं ढेचू ढेचू, म्याओ म्याओ, भौं भौं, गुटर गू, कुकड़ू कू, काए काए। अरे एक हो तो बताऊं, कल तो मेरे यहाँ बहुत ही गड़बड़ हो गई। क्या हुआ दादाजी? अरे भाई जैसे ही हम घर पहुँचे तो वैसे ही हमारे सारे पक्षी फर फर हमारे चारों ओर आकर बैठ गए। पूछो क्यों? क्यों? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, एक तरफ तो सारे पक्षी आकर बैठ गए और दूसरी तरफ सारे पशु और बीच में तुम्हारे दादाजी। तो फिर क्या हुआ दादाजी? ओए होए, अरे होना क्या था भाई, एक तरफ पशु और दूसरी तरफ पक्षी जोर जोर से पूछने लगे। दादाजी आज आप एक बात बताइए कि आप पशुओं को ज्यादा प्यार करते हैं या पक्षियों को? अब तो भाई हम संकट में फंस गए कि क्या कहें क्या ना कहें। सब मुंह फुलाए बैठे हमारी तरफ देखते रहे। जब हमारी नजर उस तोते पर पड़ी तो हमने देखा कि वो तोता बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। बस फिर क्या था, हम समझ गए इन सबको इसी तोते ने भड़काया है। दादाजी लगता है आपका तोता तो बड़ा वो है। हाँ, पशुओं से कह दिया कि दादाजी तो पक्षियों से प्यार करते हैं तुमसे नहीं, और उधर पक्षियों से कह दिया अरे दादाजी तो पशुओं से ज्यादा प्यार करते हैं तुमसे नहीं। अगर चाहो तो आज सबके सब आमने सामने दादाजी से पूछ कर देख लो कि वो पशुओं को ज्यादा प्यार करते हैं या पक्षियों को। तब तो बड़ा ही मजा आएगा। तो आपने क्या कहा? अरे हमने क्या कहा, अभी बताते हैं। आखिर हैं तो हम सबके दादा, सभी को एक एक करके उनकी खूबियां बता दी और सभी को खुश कर दिया। वाह दादाजी वाह, कैसे किया आपने? प्यारे बच्चों, पहले तो हमने एक गर्मा गर्म भाषण दिया। हमने कहा प्यारे पक्षियों और पशुओं, मैं अपनी इन दो आँखों की तरह तुम दोनों को बराबर प्यार करता हूँ। देखो ना,
जब बकरी मैं करके मिमियाती है तो कितनी प्यारी लगती है। इस पर कुत्ता भौंक पड़ा, भौं भौं भौं। मैंने कहा, भैया तू क्यों बुरा मानता है, तू तो बड़ा प्यारा वफादार पशु है, रात भर जागकर घर की चौकसी करता है। तभी गधे जी घेंचू घेंचू करके रेंकने लगे, बोले, वाजी वाह, मैं तो जैसे कुछ करता ही नहीं। मैंने कहा, अरे भैया गधे, तुम्हारा तो वाकई जवाब नहीं, तुम तो सीधे सादे पशु हो, कभी किसी को तंग नहीं करते, जितना चाहो तुम पर सामान लाद दो, तुम खुशी खुशी बोझा लाद कर चल पड़ते हो। तभी तोते ने टें टें करके कहा, देख लो, मैं कहता था ना, दादाजी पशुओं को ही चाहते हैं, अब भी उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं। तब मैंने घूर कर तोते की तरफ देखा, जानते हो फिर क्या हुआ, तोता चुपचाप ऐसे बैठ गया जैसे कुछ बात हुई नहीं है। दादाजी आपने पक्षियों से क्या कहा? हमने क्या कहा? अरे हमने कहा, पक्षियों तुम क्या किसी से कम हो, देखो तो सुबह 4 बजे जब मुर्गा कुकड़ू कू करके बांग देता है तो ऐसा लगता है जैसे सोने वालों को जगा जगा कर कह रहा हो, अरे भाई उठो सुबह हो गई। चिड़ियाएं चू चू और कबूतर गुटर गू करते उस समय कितने प्यारे प्यारे लगते हैं। मगर प्यारे बच्चों, अभी मैं पशु पक्षियों की पंचायत में बैठा ये झगड़ा खत्म कर ही रहा था, तभी एक झगड़ा और शुरू हो गया। पूछो क्यों? क्या? अरे इसमें पूछने की क्या बात है। तभी हमारे तबेले में से घोड़े की हिन हिनाने की और उधर गुस्से में गाय के रंभाने की आवाज आने लगी। दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। क्या करने लगे? लड़ने लगे। हाँ, उन दोनों में खूब झगड़ा चल रहा था। गाय ने घोड़े से कहा, अरे जा जा जा, तू क्या है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बिना चाबुक के तू चल नहीं सकता और बिना लगाम के तू काबू में नहीं आता। इस पर घोड़ा हिन हिनाया, बोला, हे गाय, अपनी जबान ज्यादा मत चला, जरा तू अपनी तरफ तो देख, काम की ना काज की, हर दम पड़ी चरती रहती है, देख मुझे देख, मैं फिर भी मेहनत तो करता हूँ। दादाजी तो गाय गाय ने क्या कहा? गाय ने भां भां रंभा कर कहा, अरे जा 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 जा, जरा तांगे में क्या जुत गया, अपने आप को 30 मारखा ही समझने लगा, तू तो घास खाता है और लीद करता है। अरे मैं घास खाती हूँ और दूध देती हूँ, दूध, मेरा दूध बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मेरे दूध का घी मक्खन और छेना भी तो बनता है, मेरा तो गोबर भी काम में आता है। हाँ तो दादाजी घोड़े को बड़ा ही गुस्सा आया होगा। क्यों नहीं, ये सुनकर घोड़ा बोला, अरे तू क्या मेरी बराबरी करेगी, बड़े बड़े राजा महाराजा हमारी सवारी करना अपनी बड़ी शान समझते हैं। तो फिर दादाजी गाय और घोड़ा एक दूसरे से कम नहीं होंगे? हाँ मेरे बच्चों, यही बात मैंने उन दोनों को सामने बैठाकर समझाई। गाय दूध देती है इसलिए उसे माँ कहा जाता है, है ना? गाय हमारी माँ है। क्या? माँ है। गाय रंभाती, खाती घास। बोलो। गाय रंभाती, खाती घास। हाँ,
बच्चों तुम भी बोलो, गाय रंभाती खाती घास। आओ बच्चों मेरे पास। नन्ने मुन्ने बच्चों, घोड़े को देखकर यही कहने को तबीयत करती है, जब भी पड़ा पीठ पर कोड़ा। जब भी पड़ा पीठ पर कोड़ा, ही 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 बोला घोड़ा। अरे बच्चों तुम भी साथ बोलो, जब भी पड़ा पीठ पर कोड़ा, ही 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 बोला घोड़ा। तो प्यारे प्यारे नन्ने मुन्ने बच्चों, लो बच्चों मुझे लगता है मेरा घोड़ा तो यहीं चला रहा है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आज मुझे अपने घोड़े को लेकर मेले में जाना है। अच्छा बच्चों, राम राम। राम राम दादाजी। राम राम दादाजी। राम राम तो दोस्तों, आज तुम्हें दादाजी ने बताया घोड़े और गाय के बारे में। घोड़ा कैसे करता है? हिन हिन हिन, यानी घोड़ा हिन हिनाता है और गाय रंभाती है। तो दोस्तों जोर से कहो, जय हिंद। प्रस्तुति सहयोग रमेश रानी शर्मा, कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम।